बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त से आइडिया शेयर कर रहे हैं। हम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया लेके आते हैं जो आपके किचन और होम के हिसाब से होते हैं और आपको घर को नाइस रखने में बहुत ही जो है आपकी हेल्प करते हैं। तो इस तरह की बेकार चीज़ें जो होती हैं हम इसे कचरे में फेंकते हैं और इनसे हम बहुत ही ज़बरदस्त जो है आपके लिए आइडियाज़ लेके आते हैं जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होते हैं। तो चलें हम इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए लिया है हमने एक कार्टन, खाली कार्टन। ये हमें करियाना शॉप से मिल जाते हैं बहुत ही आसानी से। तो अब पहले सबसे पहले हम इसका ऊपर वाला जो होता है कैप, जहाँ से हम ये बॉक्स का जो होता है तो उसको कट कर देंगे। तो ऊपर वाला कार्डबोर्ड सारा मैंने इस तरह से कट कर दिया है। अब ऊपर से मैं प्लेन कर दूंगी। ऊपर वाले हिस्से को हमने कट कर देना है। अब इसको हम लंबाई पे रख के तो इसको निशान लगा लेंगे। लंबी लकीर लगा दूंगी मैं इस तरह से। तो ये देखें जी, लंबी लकीर लगा के मैंने इस तरह से नीचे से इसको तिरछा कर दिया है। अब इसे मैंने कटर से कट कर दिया है। अब जो कार्डबोर्ड के ऊपर वाले हिस्से से जो कार्डबोर्ड के पीस निकले थे तो वो हम नीचे जो है इसकी बेसमेंट में लगा देंगे ताकि ये मजबूत सा ऑर्गेनाइज़र बन जाए। तो गिलू लगा के इनको मैं इस तरह से पक्का इसके साथ जोड़ दूँगी। थोड़ी देर दबा के रखूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से जुड़ जाए। तो अब मैं दूसरा पीस भी इसी तरह से लगा दूंगी गिलू लगा के। तो इस तरह के कार्टन जो होते हैं हम ऐसे भी रख सकते हैं, आप इनको जो इस तरह से कटिंग करके भी, लेकिन हम इसको खूबसूरत सा ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे ताकि ये हमारी अलमारी में रखा हुआ खूबसूरत लगे। तो ये मैंने पक्का जो है इसके जो है नीचे कार्डबोर्ड लगा दिया है और गिलू से अच्छे तरीके से इसको मैंने चिपका दिया है। अब मैंने इस तरह का फैब्रिक गिलू लिया है जो लकड़ियाँ वगैरह जोड़ने के लिए या कोई भी इस तरह के जो कार्डबोर्ड होते हैं उस इससे आसानी से जुड़ जाते हैं। तो इसमें मैंने पानी मिला के इन्हें मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब मैंने इस तरह का पीस लिया है कपड़े का मोटे वाला। तो घर में जो पुराने कपड़े होते हैं उसी से मैंने ये वाला कट पीस लिया है और मैं इसे जो है गिलू लगा के अच्छे तरीके से इसमें कार्डबोर्ड के जो बॉक्स हैं इसमें लगा दूंगी। इस तरह के पुराने कपड़े हम फेंक देते हैं, आप इस तरह से बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकते हैं इनको इस तरह के ऑर्गेनाइज़र बना के। अब मैंने ये इसके चारों तरफ लगा दिया है ये कपड़ा, गिलू लगाती जा रही हूँ, पतला कर लिया है गिलू को ताकि ये कपड़ा हमारा अच्छे तरीके से चिपक जाए। तो ये देखें जी, मैंने जो है नीचे वाले बेसमेंट में भी कपड़ा लगा दिया है और इसके तीनों जो है तरफ है इसके कपड़ा मैंने लगा दिया है। तो ये देखें जी, अच्छे तरीके से इसे मैंने फिक्स कर दिया है। आप कार्डबोर्ड का जो इस तरह का बॉक्स होता है तो आप इस तरह भी अलमारी में रख के तो अपने कपड़े को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और तो इस तरह के शिफॉन के दुपट्टे मैंने यही लिया है, दुपट्टा जो हमारे बेकार दुपट्टे होते हैं वही मैंने इसमें यूज़ में लिया है। अब इसके ऊपर मैं इसको जो है पक्का फिक्स करूँगी। तो ये शिफॉन का दुपट्टा है तो ये आगे पीछे इस तरह से फिसलेगा, तो इसलिए मैं तो सबसे पहले शिफॉन का दुपट्टा है तो ये जो है हमारे हमें इसे पक्का करने के लिए अच्छे तरीके से इससे जो स्टेपलर होता है तो इससे मैं इस तरह से पक्का कर दूंगी ताकि मैं इसे गिलू से आसानी से इसके ऊपर चिपका सकूं। तो ये मैंने ऊपर से भी इस तरह से कवर कर दिया है स्टेपलर से और जो है साइड से भी मैंने इसे कवर कर दी। ये अभी आसानी से हम इसके ऊपर गिलू लगाएंगे तो ये आगे पीछे नहीं होगा। तो इसके ऊपर ही मैं गिलू लगाऊंगी, ये बहुत ही पतला सा है और इसके ऊपर गिलू लगाऊंगी, ये अच्छे तरीके से मजबूत सा ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा और अच्छे तरीके से ये फिक्स हो जाएगा, इसके ऊपर पक्का हो जाएगा। तो गिलू को मैंने पतला कर लिया है तो इसलिए मैं इसको सारी चारों तरफ से जो है इसके ऊपर गिलू लगा दूंगी। तो ये देखें जी, मैंने अच्छे तरीके से इसे कपड़ा लगा दिया है और इसे खुश्क कर लिया है। अब इसको हम इस तरह से इसमें कपड़े रख देंगे। तो कपड़े हम जो है अलमारी में रखते हैं तो एक कपड़ा निकालते हैं, एक सूट निकाला हमने तो दूसरा इधर उधर जो है ख़राब हो जाते हैं। एक निकालते हैं, बार बार हमें अलमारी सही करनी पड़ती है। तो
तो इस तरह से आप ये वाला ऑर्गेनाइज़र बनाएं तो बहुत ही आसान तरीके से आप कपड़ों को अलमारी में जो है इन्हें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं और आपकी अलमारी देखने में भी खूबसूरत लगती है। तो आई होप कि ये वाला आइडिया आपको मेरा बहुत ही पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। अब अगला आइडिया मेरा इस तरह के हार्पिक के जो बोतलें होती हैं खाली, तो इन्हें हम कचरे में फेंक देते हैं। तो ये मैं किचन के लिए लेके आई थी हार्पिक, और इनकी ये हमारी साफ़ वाली बोतलें हैं, तो इनसे मैं ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बनाऊँगी। तो ऊपर वाला जो कैप वाला हिस्सा है इसको मैंने निशान लगा के कट कर दिया है। अब इस इन्हें बोतलों को मैंने अच्छे तरीके से साफ कर लिया है, ऊपर रैपर हटा दिया है। अब इन्हें हम जो है खूबसूरत करने के लिए, इनको जैसे इनको खूबसूरत लुक देने के लिए हम इसके ऊपर इस तरह की रस्सी लगाएंगे ताकि ये हमारा खूबसूरत सा ऑर्गेनाइज़र लगे और पड़ा हुआ भी अच्छा लगे। तो अब ये बारीक वाली रस्सी ली है और गिलू लगा के मैं इसको रस्सी को इसके ऊपर बोतलों के ऊपर लगा दूंगी। तो ये देखें जी, मैं हल्का हल्का गिलू लगा रही हूँ और इनको मैं इस तरह से मैं जो रस्सी है इसको लपेट दूंगी ऊपर। तो इस तरह की बोतलें जो होती हैं ये बहुत ही खूबसूरत भी लगती हैं पड़ी हुई, और आपकी जो बेकार चीज़ें होती हैं उनको आप यूज़ में ला सकते हैं और अपने घर के को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ये देखें जी, रस्सी मैंने ऊपर इस तरह से लगा दी है। बस इतनी ज़्यादा हमने रस्सी नहीं लगानी, इसका कलर तो वैसे भी ब्लू है तो वैसे भी खूबसूरत लग रही है बोतल, तो हमने इसको खूबसूरत बनाने के लिए इस तरह से इसके ऊपर रस्सी लगा दी। अब तीनों बोतलों के ऊपर मैंने रस्सी लगा दी है और अब गिलू लगा के इन तीनों बोतलों को मैं ज्वाइंट कर दूँगी। तो दो को मैंने ज्वाइंट कर दिया है, अब तीसरी बोतल भी इस तरह से मैंने रख के तो इनको मैं इस तरह से फिक्स कर दूँगी तीनों बोतलों को। तो ये देखें जी, इनको मैंने तीनों को इस तरह से फिक्स कर दिया। अब मैंने एक रस्सी का पीस लिया है और इसका हैंडल हम बना लेंगे। तो ये मैंने इसे भी गिलू के साथ अच्छे तरीके से चिपका दिया है। अब एक रस्सी का पीस लेंगे हम और इसके ऊपर हम जो ऊपर वाला हिस्सा है कैप जहाँ से हमने उतारा है तो वहाँ पे हम इस रस्सी को लपेट देंगे। इस तरह से ये खूबसूरत नहीं लग रहा लेकिन हम इसके ऊपर रस्सी लगाएंगे तो ये खूबसूरत लगेगा। तो ये देखें जी, इसके ऊपर मैंने इस तरह से सारी रस्सी लपेट रही हूँ मैं इसके ऊपर। तो ये देखें जी, सारी रस्सी मैंने लपेट दी है। तो अगर आपको जो है हमारे चैनल पे जो है कोई भी ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं, आपको जो भी कोई ऑर्गेनाइज़र आपको पसंद है तो आप फरमाइश कर सकते हैं, हम आपके लिए वो वाली वीडियो लेके इंशाल्लाह ताला आएंगे। तो ये देखें जी, रस्सी मैंने पूरी लपेट दी है इस तरह से, तो ये हैंडल भी खूबसूरत लग रहा है। अब हम इसमें इसके साइड पर जो मोटे वाली रस्सी होती है वो लगाएंगे। तो ये देखें जी, मैंने गिलू लगा के अच्छे तरीके से रस्सी को चिपका दिया है। अब दूसरी साइड पे भी इसी तरह से मैं लगा दूंगी। अब इसे जो है हम कट कर देंगे। अब सारी मैंने ये देखें जी, इस तरह से रस्सी को लगा दिया है। अब ऊपर हैंडल पे भी हम रस्सी को चिपका देंगे। तो ये हमारा खूबसूरत सा ये देखें जी मनाजर बन गया है, वो भी घर पे रखी हुई बेकार चीज़ों से। तो ये मैंने इसका पकड़ने वाला हैंडल भी लगा दिया है और ये देखने में भी खूबसूरत लग रहा है। तो रस्सी सारी मैंने लपेट दी है, अब ऊपर इससे मैं पक्का कर दूंगी। तो ये देखें जी, अब इसे गिलू लगा के अच्छे तरीके से हम पक्का कर देंगे। अब ऊपर वाली साइड पे भी मैंने बारीक रस्सी लगा दी है। तो ये देखें जी, गिलू लगाती जाऊंगी और इसको हल्का हल्का गिलू लगाऊंगी और चिपका लूंगी। गिलू से हमारी जो कोई भी चीज़ें होती हैं, कोई भी हम डेकोरेशन पीस बनाते हैं तो ये गिलू गन से इसको आसान तरीके से हम जो है चिपका सकते हैं। तो ये देखें जी, हमें इससे जो है बहुत ही खूबसूरत सी लुक आ गई है। अब हमने इसमें ब्रश रखे हैं, टूथपेस्ट ब्रश, और इसमें हमने बालों वाले ब्रश रखे हैं। तो ये देखें जी, आपकी ढेर सारी इसमें चीज़ें आ जाती हैं।
तो ये साफ़ हैं हमारी बोतलें, तो इसमें आप स्पून भी रख सकते हैं। और इस तरह से हमारे सीज़र वगैरह होते हैं या इस तरह की कोई पेचकस वगैरह या कोई भी ऐसी चीज़ें होती हैं, आप इसको ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। आई होप कि ये वाला आइडिया आपको मेरा बहुत ही पसंद आया होगा, आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। अगला आइडिया मेरा इस तरह के जो चम्मच होते हैं तो इसके हिसाब से है, तो ये घर में ऐसे ही पड़े होते हैं तो इनको हम यूज़ में ला सकते हैं। तो इस तरह की बोतल ली है मैंने, तो ये ब्लैक कलर हम मैंने बोतल को कर दिया था, तो नीचे वाला ऐसा ब्लैक किया है मैंने बोतल का, तो इसको मैंने कट कर दिया है। अब सलोशन टेप लगाई है मैंने इस तरह की, ये डबल टेप है सलोशन टेप, तो इसको मैं ऊपर से जो है सलोशन टेप के रैपर हटा के इसको मैं जो है चम्मच के साथ अच्छे तरीके से चिपका दूंगी। तो इसकी जगह आपके पास पुराना कप हो तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी टूटा हुआ कप होता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें जी, मैंने इसे अच्छे तरीके से फिक्स कर दिया है सलोशन टेप के साथ। अब इसमें हम फूल रख देंगे, तो ये नीचे टेप नज़र आ रही है, इसको मैं उतार दूंगी। ये मैंने इसमें फ्लावर इस तरह से लगा दिए हैं, आप इसमें जो है कोई भी प्लांट होते हैं जो मनी प्लांट वो भी लगा सकते हैं। तो ये देखें जी, ये कितना खूबसूरत लग रहा है। आप इसको इसके अंदर जो है ये जो चम्मच होता है इसके अंदर कप भी हो तो वो कप कोई टूटा हुआ तो वो भी लगा सकते हैं। तो आई होप कि ये वाला आइडिया आपको मेरा बहुत ही पसंद आया होगा, आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। अगला आइडिया मेरा इस तरह के रिमोट के हिसाब से है, तो इस तरह के की चेन होते हैं हमारे घर में, कोई ऐसे पुराने पड़े होते हैं, तो हम इससे ज़बरदस्त सा जो है आज आपके साथ ये वाला जो है आइडिया आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो रिमोट जो है ये बच्चे भी इस तरह पकड़ लेते हैं और फेंकते हैं तो ये टूट भी जाते हैं, तो इसलिए अगर हमें रिमोट चाहिए होता है तो वो भी नहीं मिल रहा होता, तो आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया शेयर कर रही हूँ। तो इस तरह का की चेन ले गए तो हम इसको रिमोट के साथ जो है ग्लू लगा के अच्छे तरीके से इसको चिपका देंगे और कहीं भी इसको हैंग कर दें, और आपको जब भी टीवी देखना हो तो आप आसानी से रिमोट को उतार के और आप टीवी देख सकते हैं। तो ये देखें जी, और बच्चों के हाथ में आते हैं तो बच्चे तोड़ देते हैं, तो जो असली वाला रिमोट होता है फिर वैसा मिलता भी नहीं। तो आप इसको जो है अपने घर का ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। तो आई होप कि ये वाला आइडिया आपको मेरा बहुत ही पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। अगर आपको मेरे आइडियाज़ पसंद आते हैं, मेरी वीडियो को लाइक किया करें, मेरी वीडियो को शेयर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को लाजमी दबाएँ ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिले। अल्लाह हाफिज़।